और वही सांबा के अंदर जो निर्माण किया गया कार्य फ्लाईओवर का है और साथ साथ जो एक्सप्रेस हाईवे का कार्य चल रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर आज डेवलपमेंट के मार्ग की ओर आगे बढ़ रहा। हमें याद है जब हमारे देश में अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार बनी थी, उस दौर में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से सड़कों का जाल गांव गांव में फैलाया गया था। लेकिन दुर्भाग्यवश जब बीच के 10 साल 2004 से 14 के बीच में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, तो जम्मू कश्मीर में विकास कार्य सब ठप हो गए थे। और 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने देश की सत्ता संभाली, जम्मू कश्मीर के अंदर क्रांतिकारी विकास कार्य हुए हैं। जम्मू कश्मीर विकास की राह पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और जिसके लिए हम हृदय से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब का हृदय से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब का, और हृदय से धन्यवाद करते हैं माननीय सड़क एवं परिवहन मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी साहब का, जो उन्होंने दिल खोलकर देश का खजाना जम्मू कश्मीर के विकास कार्यों के लिए खोला। साथियों, इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा निर्णय केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने किया है और जिसकी घोषणा श्रीमान नितिन गडकरी साहब ने जम्मू कश्मीर में की। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा में जाते हैं और हम जानते हैं कि श्री अमरनाथ जी को जाने वाला रास्ता दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों से गुजरने वाला रास्ता, वो सारा क्षेत्र बर्फीला क्षेत्र है। और इस श्री अमरनाथ जी यात्रा मार्ग को भी नेशनल हाईवे का दर्जा देकर बड़े सड़क निर्माण कार्य को मंजूरी दी गई है। अनंतनाग के खन्नावल से होता हुआ पहलगाम, पहलगाम से चंदनवाड़ी और चंदनवाड़ी से शेषनाग तक एक बहुत बड़े रोड का सड़क का निर्माण कार्य होगा और फिर शेषनाग से पंचतरणी की ओर मार्ग में बहुत बड़ा टनल, उसकी घोषणा श्रीमान नितिन गडकरी साहब ने की है। और फिर ये मार्ग आके बालटाल में लगेगा और साथ ही साथ बालटाल से पवित्र श्री अमरनाथ जी की गुफा में रोपवे जो गंडोला, उसकी मंजूरी और उसकी जो घोषणा की गई है, ये अपने आप में बहुत बड़े ऐतिहासिक निर्णय और ऐतिहासिक घोषणाएं माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी ने की है। साथियों, ये वो बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनसे जम्मू कश्मीर की दिशा और दशा बदलेगी, जिसे स्वर्ग से भी सुंदर जम्मू कश्मीर कहा जाता है, जिसे जन्नत कहा जाता है। इस जन्नत को और विकसित करने, और खूबसूरत बनाने, और अच्छा बनाने, जम्मू कश्मीर के लोगों को हर प्रकार की सुविधाएं देने के विषय में ये जो घोषणाएं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब ने की है, इसके लिए जम्मू कश्मीर की जनता हृदय से माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और श्री नितिन गडकरी जी एवं देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब का हृदय से हम धन्यवाद करते हैं।